हुक्मे हुक्म चलाए रहाओ नानक विकसे वे प्रभाव। बीबी बत्ती नवा शहर देख रहे हर एक वीर भैन भरा का तुहाडे अपने परिवारक मैंबर दनीशवरी वालों बहुत निघा स्वागत। सो दोस्तों जिवें कि पहला मैं जिक्र किया हुक्मे हुक्म चलाए रहाओ नानक विकसे वे प्रभाव। शायद मैं अपनी टुश बुद्धि अनुसार इहदा जिहड़ी कैलकुलेशन कर रहा दी गुणा घटा घटा वधा कर रहा, पर जे अगर मैं गलत होवां तां माफ़ करना। शायद गुरु नानक पातशाह यही कह रहे हैं कि जो संतोख रख के जो सहज हो के जो पंजा विकारां नूं सोध के चलता है जिहड़ा परम पिता परमात्मा फिर उहदी उंगल आप फड़दा आ उहदा जश अपजश लाभ हानि उहदा माण सम्मान जिहड़ा परम पिता परमात्मा आप देखदा है जिहड़ा मानवता दे हित लई कम करदा। दोस्तों तुसीं जाणो ही हो कि पिछले समें विच जदों कोई जिहड़ा आ आम पब्लिक दे हित दे बाहर होके गल करदा सीगा जां मनुखता दे अगेंस्ट गल करदा सी तां लोक जिहड़ी उहदी हाए हाए थू थू करदे सीगे, पर अजकल डिवेलप्ड इंडिया च और डिजिटल इंडिया च इह गलबात शुरू हो गई आ जो कोई मानवता दे हित दी गल करदा तां जिहड़ा व्यापारी वर्ग आ उहनूं निंदण लग पैंदा कि हाए हाए की करन लग पिया। पर इसे तरह जिवें तुसीं जाणदे हो कि लुधियाणे विच गुरु नानक मोदी खाना खुल्लिया सी, उसे तरह हुण नवां शहर विच गुरु नानक मोदी खाना जिहड़ा आ इह राशन दा जिहड़ा स्टोर आ खोलिया गया इंदरजीत सिंह उहनां द्वारा। अज आपां उहनां नाल गलबात करदे आ, पुछदे दे पिछे की मंतव है किहड़ी सेवा भावना आपां उहनां नाल गलबात करदे। इंदरजीत जी बहुत निघा स्वागत है, आ जाओ। सो दोस्तों साडे नाल मौजूद ने जी इंदरजीत सिंह जी। इंदर जी सब तो पहले तुहाडा बहुत निघा स्वागत है। धन्यवाद जी बहुत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलवा। पी वी बत्ती चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है जी कि साढ़े अज ये मोदीखाने पहुँचे हैं, इन्हों का बहुत बहुत तहे दिल धन्यवाद है जी। इंदरजीत जी मैं पहले तक ये गल कहनी चाहना कि बहुत सुलखणा काम है, बहुत शलाघायोग काम है, बहुत सहज वृत्ती वाला काम है, पर फिर भी मैं स्पष्ट होकर स्पैसीफिकली गल पुछना चाहना, कोई फॉरमैलिटी नहीं सीधे भावना नाल, कि यह जिहड़ा तुसीं गुरु नानक मोदीखाना खोलिया आ ये सेवा भावना नाल है, कोई मुनाफा कमाउणा है, कोई नाम कमाउणा है, वजह की है? ये साढ़े मन विच विचार उस अकाल पुरख वालों काफ़ी देर दा आ रहा सी कि सच्चे पातशाह कोई असी ये दुनिया से मातलोक च पहुंचे हाँ कोई ऐसा कदम उठाइए कि लुकाई का भला हो सके। हुण COVID-19 का दौर चल रहा है, सत्संग जानी जाना तो बहुत लोगों नू परेशानी का सामना करना पिया, कई वीर दिया नौकरियां फस गई, कई होर की प्रॉब्लम आई, तो असी उस संगत की भलाई वास्ते खोलिया गया है। तो ये साडा कोई मनोरथ नहीं जी, ये दास इंदरजीत सिंह का मेन अलूमीनियम दर्ज ताकियां का स्टील पौड़ियां का काम वाहिगुरु दया ना बहुत वधिया चलता आ, ये कमाई का सोर साडा उधरवा जी, ये साडा बिल्कुल सेवा भावना निष्कामता नाल असी काम कर रहे हैं जी। बहुत बहुत वधिया गल की मेरे सवाल का, तुसीं पहले अगला सवाल जिहड़ा करना तो पहले जवाब देता कि तुसीं मेन काम कर की कर रहे हो, तुहाडा जिहड़ा घर दा खर्चा किवें चलता, तुसीं दस दिता कि अलूमीनियम का काम करदे हो, पर इंदरजीत जी एक सवाल हो रहा कि तुसीं इकल्ले जिहड़ी सेवा निभा रहे हो कि तुहाडे नाल होर भी कोई संस्था जुड़ी आ जां कोई होर व्यक्ति भी जुड़े हुए ने? साडे नाल वीर जी होर तां कोई संस्था नहीं जुड़ी, पर सानू जे कोई भरा साडे नाल संस्था आ के खड़दी आ सानू उहनां दा बहुत माण महसूस हुंदा आ, ते असी सारी संस्थावां नूं यही बेनती करदे हां भाई बाबे जी दया साडे ते बहुत आर पार किरपा आ, सानू किसे माया की जरूरत नहीं हैगी सतसंग जी, सानू भरावां वीरां दे साथ की जरूरत वा, ते ए वीर कोई इस गल तो घबरा के साडे तो पिछे ना हटे भी ये इंदरजीत सिंह साडे कोई माया की डिमांड करनगे, माया बाबे नानक की बड़ी अपार अपार किरपा आ, आपां तां संगतां नूं भलाई करनी आ भाई वो वीरां दा साथ मैनूं बहुत जरूरी चाहिए सारी सोसाइटियां दा जी। मैं कोल खड़ा जी, मैं तुहाडी ओ इमोशनस तुहाडी मानसिकता तुहाडी भावना नूं फील कर सकदा, और असी भी ओ नानक दे नाम नूं खिच्चे इत्थे भज्जे आए हां क्योंकि जिथे मेरे सतगुरु नानक का नाम आ जांदा एक उत्साह आ जांदा, एक मन नूं शांति मिलदी आ। इंदरजीत जी एक सवाल हो रहा कि जिवें हुण ना बलाचौर विच इक गुरु नानक मोदी खाना सी ओह बंद हो गया, जिवें तुसीं कल्ले ओ हले तुसीं दस्सिया कि कोई नाल बहुता कोई सहयोग नहीं मिल रहा, असी चाहुंदे असी भी अपील करदे आ कि लोग मोहरे आउण अगे आउण क्योंकि जिवें तुसीं दस्सिया कि सर मानवता दी सेवा लई कम करना चाहुंदे हो, पर कोई मन च डर कोई वहम कुछ है कि लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा? ये जब तक वाहिगुरु दे सवास दिते हुए आ असी तां निरंतर सेवा निभाउण दी कोशिश करांगे, अगर जे कोई वीर भरा नूं साडे इस काम तों इतराज़ भी होया तां उहनां दे चरणां विच सीस रख के ही बेनती करांगे वीर जी ये गुरु नानक दे दर दी सेवा है, साडे कोल ना खोवो ते सानू सेवा करन दिओ और साडा साथ दिओ, सर्वदा भला करन दा बल बख्शो जी। इंदरजीत जी जिवें तुसीं दस्सिया कि तुसीं अलूमीनियम दा काम करदे हो है ना,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2016 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨ ਕੇ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਡ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕਰਿਆਨਾ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਨੂੰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤੁੱਚ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ, ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 501 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਤਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦਲੇਰ ਖਾਲਸਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਹ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਨੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਸਸਤਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਸਸਤਾ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਰੀਟ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਿਆਉਣ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋ ਵੀਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਾਲਾਂ ਪੈਕ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਮਹਾਤੜ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹੱਲਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਠੀ ਰੋਡ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਹਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰਿਆਇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਲੋਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
गुरु साहब का विशा नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबादा भला। भाई इंद्रजीत सिंह जी ने पी वी बत्ती वाले सब तो पहले तो मैं बधाई दिना कि इंद्रजीत सिंह ने कि संगतों वास्ते उपराला किया, पी वी बत्ती ने होर संगतों लिए उपराला किया कि घर घर जरा संदेश पहुँचाया जाए, लोड़वंद जरा वा कि इतों अपना राशन खरीद के अपने घर दियां लोड़ां पूरियां कर सके। मैं समझा कि अज के मौजूदा हालात के करोना मारी के नाल गरीब जनता जी तरह तरह कर रही है, भावें सरकार भी अपने वालों कोई एनओजियां भी कर रही मदद, जिहड़ी पहल सरदार इंद्रजीत सिंह खालसा जी ने अपने परिवार के नाल रल के मैं बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने कहा कि साड़ी माता जी का यह उपदेश ही कोई मानवता की सेवा करने वास्ते तुम घर के ही मोदीखाना खोलो ताकि संगत इतों वध वध लाभ उठा सकन। मैं समझा कि संगतों लिए बहुत नवांशहर वासियों वास्ते भी जितों भी कोई बंदा लोड़वंद होवे इतों आके समान खरीद के अपने घर दियां लोड़ां पूरियां करन। मैं यही अरदास करदा सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जे आप जी दे नां ते मोदीखाना खोलिया ये आप जी ने ही इन्हां सेवकां ते अपना मेहर भरिया हथ रख के चलाउणा, ते संगतां नूं भी बेनती है कि अपना कीमती समा कढ के इतों जो भी अपनी लोड़ अनुसार समान खरीद के लाभ उठाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुहाडा की नाम है जी? मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी, मैं राहों तो आया जी। सानू कल पता लग्या कि इत्थे इन्होंने भाई साहब उन्होंने गुरु नानक मोदीखाना खोलिया, सानू बड़ी खुशी है इस गल की। साढ़े इलाके दे विच सस्ते राशन की दुकान खुल गई है तो सानू इसकी बड़ी खुशी आ और बड़ा लोगों को फायदा होगा इस चीज़ का। तो अजकल दे समय के मुताबिक इस चीज़ की बहुत जरूरत आ, तो मैं इन्होंने सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। तो वाहिगुरु इन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज इन्हों चढ़दियाँ गलां बख्शे तो कम कारा वाधा करे दिन दुगुणा राज चौगनी तरक्की करे। बहुत वधिया गल की कहदी, बहुत जरूरत है क्योंकि हुणे हुणे COVID-19 जिहड़ा चल रहा आ उहदे करके बहुत लोगों अंदर जिहड़ी नौकरियां खुस गईआं आ, आर्थिक तंगी देख रहे ने। पर जांदे जांदे मैं इंद्रजीत सिंह नूं इक सवाल पुछना चाहुंदा, इंद्रजीत जी तुहानूं प्रशासन का कोई सहयोग मिल रहा जी? सानूं प्रशासन का हजे तो कोई सहयोग मिलिया नहीं, वैसे साढ़े नाल प्रशासन भी साढ़े नाल ही आ, ते बाकी असी उन्हां दे नाल सहमति करके चलांगे और असी इत्थे COVID-19 करके भी थोड़ा डिफरेंस बना के संगत नूं रखदे आ कि रश बहुता ना पैण दित्ता जावे। बाकी सारे नवांशहर इलाका वासियां दा समूह संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद आ जी, बहुत सहयोग आ जी। इस करके साध संगत चरणां च बेनती आ भाई घर विच एक एक मैंबर ही या दो दो मैंबर ही आके अपना डिस्टेंस बना के अपना समान खरीदन कि सानू आने वाले समय से कोई प्रॉब्लम मुश्किल ना आवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीडियो रैपअप करने तो पहले असं एक बार तुहानू जिहड़ी दुकान का लुक पूरा दिखा दें, तो आखिर असं यही कहना चाहते हैं कि जो तुत भावे साई भला कर तुथा सलामती निरंकार। तो गुरु नानक पातशाह चरणों में बेनती है कि जोड़ा इन्होंने बीड़ा चक्या उस आम पब्लिक भी जरा साथ दे, क्योंकि ये कुछ भी ये मुनाफाखोरी नहीं आ, सिर्फ जी आम पब्लिक जी मानवता के हित काम करना चाहते हैं, आम पब्लिक का फायदे लिए काम करना चाहते। तो एक लास्ट वारी तुम्हें जोड़ा आ दुकान का व्यू दिखा दें। अगला नाम सो दोस्तों इंद्रजीत सिंह उन्हां दी बेटी जैसमिन साढ़े नाल आ, आपां एक बारी उत्तों फतेह ही बुलाउणी आ ते एक दो गल्लां करनी, उस बाद जल्दी रैपअप कर देना। जैसमिन बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसमिन जिहड़ा पापा ने उपराला किया गुरु नानक पातशाह ने जिहड़ी कृपा की तुहाडे परिवार ते, किहो जिहा महसूस हुंदा? बहुत वधिया महसूस हुंदा आ। ते कोई साडे व्यूअर्स नूं कोई संदेश देना चाहुंदे कि इत्थे गुरु नानक मोदीखाने जरूर पहुंचण ते इत्थों जिहड़ा तुहाडे हत्थ वडाउण और जिहड़ा आम पब्लिक नूं इत्थे सस्ते रेटां ते समान मिलदा, कोई संदेश देना चाहुंदे हो?
चलो जिन्ना भी मैं महसूस कर सकता, कुछ और कहना चाहते बच्चे? नहीं। तो जैसमीन का भी कहना यही है जो असी पहला किया कि जो तुत भावे साई पल्लीकार तू दा तू सदा सलामत निरंकार। तो परमात्मा की कृपा ना गुरु नानक जी जो वीर पैदा लंगर शुरू होया इसे तरह रही दुनिया तक चलता रहे। इन्हें कहते अपने छोटे वीर दिनेश सूरी ते कैमरा परसन विजय कुमार नूं दिओ इजाजत। रब रखा।